Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. तो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्कस कर रहे थे, उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्पीन। टर्पीन देखिए, स्पेशली इनके बीच में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या रखने हैं टर्पीन के बारे में, वो हम डिस्कस करके चलेंगे। यहाँ पर टर्पीन क्या है, सबसे पहले आपको टर्पीन क्या होना चाहिए, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टर्पीन अपने आप में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो वहाँ आंसर होगा टर्पीन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कि जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। साथ ही साथ टर्पीन को आइसोप्रेनॉइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टर्पीन एंड टर्पीनॉइड में क्या डिफरेंस है। तो टर्पीन में तो क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, वहीं टर्पीनॉइड के अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आइसोप्रेनॉइड के अंदर भी क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो टर्पीन एंड टर्पीनॉइड में मेजर डिफरेंस ये है कि टर्पीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, वहीं टर्पीनॉइड के अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये लिपिड प्रॉपर्टी भी शो करता है, इस वजह से क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्पीन जो बनता है वो किससे बनता है, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन जो है इसकी यूनिट है, और आइसोप्रीन जो होती है वो 5 कार्बन यूनिट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि टर्पीन जो है वो किससे मिलकर बना, आइसोप्रीन से, और आइसोप्रीन जो होती है 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर आप देखिए इसका फॉर्मूला भी दे रखा है कि किस तरीके से, एक्चुअली ये जो है पेंटेन जो होता है उसी से मिलकर बना है, और इसे क्या कहा जाता है, आइसोप्रीन। तो 5 कार्बन है, C5H8 इसका फॉर्मूला है, और इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो टर्पीन, टर्पीन के दिमाग में आते ही आपके दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आना चाहिए वो तो ये कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एंड सेकेंड जो इसकी यूनिट होती है वो आइसोप्रीन होती है, और वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है टर्पीन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उस क्लासिफिकेशन का बेसिस है इसमें यूनिट्स, कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो इसके बारे में पूछा जाता है, सेस्क्वी ट्री टर्पीन के, सेस्क्वी टर्पीन के बारे में। ठीक है, एंड कई बार डाई टर्पीन, ट्राई टर्पीन भी पूछ लिया जाता है, बट ज़्यादातर जो है रिपीट जो होता है वो सेस्क्वी टर्पीन होता है। अब ये क्यों पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप देखिए क्यों आता है, आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ देखा कि 1 यूनिट आइसोप्रीन है जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, हेमीटर्पीन भी इसे हम कह सकते हैं। इसका जो मोनोटर्पीन जो होता है, मोनोटर्पीन वो बनता है 2 आइसोप्रीन यूनिट से, मतलब ये वाली जो यूनिट अगर 2 होगी तो बनेगा मोनोटर्पीन। ठीक है, तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है, अगर यूनिट ये है तो एक से ही मोनोटर्पीन बन जाना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मोनोटर्पीन जो होता है वो बनता है 2 आइसोप्रीन यूनिट से। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि मोनोटर्पीन जो है उसमें कितनी यूनिट है, 2 आइसोप्रीन यूनिट है, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट होने से कितने कार्बन हो जाएंगे, 10 कार्बन। इसी तरीके से सेस्क्विटर्पीन, जो सेस्क्विटर्पीन है उसमें कितने, 3 आइसोप्रीन यूनिट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने कार्बन है, 15 कार्बन है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर डाई, डाई का मतलब तो 2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर डाई टर्पीन जो है उसके अंदर 4 आइसोप्रीन यूनिट है और 20 कार्बन है। इसी तरीके से ट्राई टर्पीन जो है उसमें 6 आइसोप्रीन यूनिट है एंड 30 कार्बन है, एंड टेट्रा टर्पीन के अंदर 8 आइसोप्रीन यूनिट है एंड 40 कार्बन है, और इसी तरीके से पॉलीटर्पीन जो है वो मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें जैसे कि रबर के बारे में आपने सुना होगा, तो रबर जो है वो क्या है, पॉलीटर्पीन है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, अब हम इसका स्टडी करेंगे, इसका सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस किस तरह। अब हम डिस्कस करेंगे टर्पीन बायोसिंथेसिस। ईजी है, अगर एग्जाम में आप रिटन एग्जाम में लिखना है थोड़ा सा आपको क्रेमिंग करना पड़ेगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप इजीली ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले टर्पीन बायोसिंथेसिस जो है वो 2 पाथवे से पॉसिबल है, एक तो इन साइटोसेल है एंड इन क्लोरोप्लास्ट है।
तो यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा था कि टर्पीन बायोसिंथेसिस है तो कॉम्बिनेशन दे दिए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो टर्पीन है उनके लिए MVA और MEP पाथवे यूज होता है, दोनों ही ध्यान रखने, MVA एंड MEP पाथवे यूज होता है। इसके अलावा जो फिनोलिक्स हैं उसके लिए सिक्किमिक एसिड आप देखेंगे पाथवे यूज होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। एंड जो एल्केलॉइड हैं उनके लिए एमिनो एसिड से वो डेराइव होते हैं। तो ये तीनों ही आपको याद रखने, क्योंकि बायोसिंथेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किसके थ्रू जो है ये इनका बायोसिंथेसिस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है टर्पीन, देखिए टर्पीन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि MVA एंड MEP पाथवे दोनों ही जो है बायोसिंथेसिस के लिए ये यूज होते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए होता है किस तरीके से टर्पीन बायोसिंथेसिस, यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो प्रीकर्सर है, तो MVA पाथवे में जो प्रीकर्सर है वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम आपको ध्यान रखना है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो इस पाथवे में 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, MVA, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेवेलोनिक एसिड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है इस पाथवे के अंदर। इसमें क्या होंगे, पायरोफॉस्फेट जुड़ेगा, तो पायरोफॉस्फेट जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 फॉस्फेट चाहिए। तो यहाँ पर 2 ATP से 2 जो है फॉस्फेट हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम होते हैं, ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर MVA काइनेज जो होता है उसका यूज होता है। अब यहाँ पर MVAPP पायरोफॉस्फेट बना है, इसी MVAPP से क्या होगा, आइसोपेंटेल पायरोफॉस्फेट बनेगा, जिसे IPP भी कहते हैं। ये अपने आप में क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और इसी से क्या होगा, अर्धा जो है टर्पीन जो है उनका सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर की या कह सकते हैं कि जो बीच का जो इंटरमीडिएट है वो बना जो है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट है, जो कि 5 कार्बन यूनिट है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरमीडिएट कौन सा है, जो कि की है अदर बायोसिंथेसिस जो है उनके, जो अदर जो टर्पिन्स होते हैं उनके बायोसिंथेसिस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से MVA पाथवे से क्या होगा, टर्पिन्स का सिंथेसिस होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी की जो है MEP पाथवे चलता है, और MEP पाथवे जो है इससे क्या, गैसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस पायरुवेट, ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट MEP, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट बनेगा, DMAPP। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर IPP और जो ये जो है DMAPP अपने आप में क्या है, आइसोमर है, ठीक है। तो यहां पर ये आपस में एक दूसरे से में चेंज होते रहते हैं, दोनों से ही जो है इनका सिंथेसिस हो सकता है। और इनके सिंथेसिस क्या बनेगा, गैरेनिल पायरोफॉस्फेट C10 जो है, C10 का मीनिंग हो गया मोनोटर्पिन से, एंड फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट है C15, ठीक है, सेस्क्वी टर्पिन से हो गया गैरेनिल गैरेनिल पायरोफॉस्फेट G C20, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने आप में, डाई टर्पीन, राइट। तो और इससे क्या होंगे, फर्दर जो है पॉलीटर्पीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्पीन बायोसिंथेसिस पाथवे होता है। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एक तो ये पाथवे दो दोनों हैं, ये नाम याद रखना है आपको कि कौन से पाथवे के थ्रू टर्पीन का सिंथेसिस होता है। फिर आपको प्रीकर्सर याद रखना है, प्रीकर्सर कौन सा है, 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 5 कार्बन यूनिट बनी है वो कौन सी, IPP और DMAP, इन दोनों का ध्यान रखना है, और आपस में ये आइसोमर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था टर्पीन एंड टर्पीन का बायोसिंथेसिस, ठीक है। फंक्शंस की अगर टर्पीन की बात करें तो आप देखिए कि ये मेनली एसेंशियल ऑयल जो होता है उसका पार्ट है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जैसे कि अदर भी फंक्शंस होंगे, जैसे कि प्रोटेक्शन है, जैसे कि हम देखते आए प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ प्लांट को डिटरेंट प्रोवाइड करता है, हर्बीवोर है एंड इंसेक्ट है इनसे। तो ये जो है मेनली इनके फंक्शंस रहते हैं मेनली, बट ये मेन जो है वो एसेंशियल ऑयल का पार्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है टर्पीन। तो ये था टर्पीन। इसके बाद में जो है अब हम स्टडी करेंगे जो है एल्केलॉयड, ओके।